हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल सेशन में हम बात करेंगे वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस की। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस क्या होते हैं और उनके साथ कैसे काम करते हैं, ये आपकी क्लास टेंथ वेब जो आपके स्टूडेंट्स हैं क्लास टेंथ के, जिनके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है NSQF के अंडर में, इसका कोड 402 है, उनके लिए है। और बाकी भी जो विंडोज़ के बारे में जानना चाहते हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस में हमारे पास स्टिकी कीज, फिल्टर की, टॉगल की, साउंड सेंट्री की, माउस की एंड कर्सर ऑप्शन, हाई कंट्रास्ट वगैरह चेंज करना एंड सीरियल की, ये सब ऑप्शंस हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है एंड तक, पूरी कंप्लीट नॉलेज के लिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं आपका एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस जो है आपका क्या होता है। अगर हम बुक की बात करें, बुक के अकॉर्डिंग कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी रेफर्स टू द यूजर फ्रेंडलीनेस ऑफ कंप्यूटर्स सिस्टम फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसेबिलिटी। यानी अगर कोई डिसेबल पर्सन है किसी तरह का और वो भी कंप्यूटर को जो है अच्छे से यूज़ करना चाहता है, तो क्या ऐसे नए फीचर्स हैं जिसकी वजह से वो कंप्यूटर को नॉर्मल लोगों की तरह यूज़ कर पाए, तो वही यहाँ पर आपका हम डिस्कस करेंगे। कहता है दिस इज़ द मेन सॉफ्टवेयर इशू, सॉफ्टवेयर का इशू है बेसिकली। हाउएवर व्हेन अ कंप्यूटर व्हेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इट इनेबल पर्सन विद डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट टू यूज़ कंप्यूटर। तो ये इस तरीके से बनाया गया है कि वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को बहुत अच्छे से यूज़ कर पाए डिसेबल पर्सन भी। इट इज़ नोन एज असिस्टिव टेक्नोलॉजी और इसको हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। In this session, we will learn about the basic accessibility options available in our computer. Windows के अंदर क्या accessibility options available हैं वो हम देखेंगे। यही same accessibility के काफ़ी options जो हैं आपके आपके जो Android phone है या iPhone है सबके अंदर आपके वहाँ पर भी available होते हैं। There are numerous types of impairment with impact computer usage. कई सारे ऐसे आपके पास जो है impairment है, हमारे पास कमियां हैं जिसकी वजह से जो नॉर्मल लोग हैं या जो कुछ स्पेशल एबिलिटी के लोग हैं वो कंप्यूटर को नॉर्मली यूज़ नहीं कर पाते हैं। वो कौन कौन से हैं पहले हम वो देखेंगे। कहता है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटी, ये कुछ इश्यूज हैं, इनकी डिटेल के लिए आप इनको इन वर्ड्स को अलग से गूगल कर सकते हैं। इनकी डिटेल में आप अगर जानना चाहते हैं, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें डायलेक्सिया नाम की एक बीमारी है, अटेंशन डेफिशिट हाइपर सेंसिटिविटी है, कुछ लोग जो ईजिली जल्दी से सीख नहीं पाते हैं, या ऑटिज्म का की नाम की बीमारी है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन जो जो जल्दी कैच नहीं कर पाते चीज़ों को नॉर्मली जैसे नॉर्मल लोग करते हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पर स्पेशल। इसी तरीके से जिन लोगों को विजुअल इम्पेयरमेंट है आपका, जिनको ठीक से दिखाई नहीं देता है, लो विज़न है, या उनको कलर ब्लाइंडनेस है, कलर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, या पार्शियल ब्लाइंडनेस है उनको, तो ऐसे लोगों के लिए भी कुछ स्पेशल ऑप्शंस हैं। तो ये इम्पेयरमेंट बताए गए हैं कि क्या क्या आपके पॉसिबल हैं जिनके लिए हमारे पास एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन अवेलेबल है। ऐसी कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट है, किसी को ठीक से सुनाई नहीं देता है, या कंप्लीट डेफनेस है आपकी, या कम सुनाई देता है, तो उनके लिए भी हमारे पास यहाँ ऑप्शंस है। मोटर डिसेबिलिटी है, इसको मोटो डिसेबिलिटी भी कहते हैं। डेक्सिटी इम्पेयरमेंट है, पैरालिसिस है, यानी जो जिस तरीके से हम अपने हैंड्स का या फिंगर्स का प्रॉपरली यूज़ करके कंप्यूटर को यूज़ कर लेते हैं माउस पकड़ने में, टाइपिंग करने में, कुछ लोगों को दिक्कत होती है ना, वो ठीक से टाइप कर पाते हैं ना माउस पकड़ पाते हैं। तो ऐसे जैसे सेरेब्रल पाल्सी है आपका, कार्पल टनल सिंड्रोम है, ये अलग अलग बीमारी हैं जिसमें हमारा जो बॉडी का कंट्रोल है वो पूरी तरीके से हमारे पास नहीं रहता है। रिपीटिटिव स्ट्रेन इंजरी है आपकी कोई किसी तरह की, कई लोगों के जो है वो फिंगर्स काफ़ी ज़्यादा शिविर करती हैं, कुछ अलग अलग तरह के इश्यूज हैं जिनकी वजह से हम नॉर्मल लोगों की तरह कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो उनके उन स्पेशल लोगों के लिए भी हमारे पास ऑप्शंस हैं और वही हम आज सीखने वाले हैं। कहता है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस जो हैं वो आपके कंट्रोल पैनल के अंदर होते हैं, वहाँ से हम उन्हें कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जिसमें आपके पास कीबोर्ड को, आपकी डिस्प्ले को और माउस के फंक्शंस को हम मॉडिफाई या कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कहता है मैनी ऑफ दीज फीचर्स आर यूजफुल फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़ एज डिस्कस अर्लियर। इन दिस सेशन वी विल लर्न द यूज़ ऑफ एक्सेसिबिलिटी इन विंडो XP। हम विंडो XP के अकॉर्डिंग बुक के अंदर जो है वो विंडो XP में दिया हुआ है, बट विंडो XP बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो गई है, तो हम सिर्फ यहाँ पर स्टेप्स देख लेंगे कि विंडो XP में क्या था और हम जो यूज़ करेंगे वो
आपके इसको विंडो 10 के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे। कहता है विंडो एक्सपी के अंदर, कहता है आप स्टार्ट पैनल में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस मिलेंगे आपको। वहाँ से आप कीबोर्ड के अंदर टैब में जाएंगे तो आपको स्टिड की कीज़ मिलेंगी, जैसे आप यहाँ साइड में देख पा रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही आप एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन खोलेंगे तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। इसमें अलग अलग टैब हैं, कीबोर्ड टैब है, साउंड टैब है, डिस्प्ले टैब है, माउस एंड जनरल टैब। तो अभी इस तरीके से तो नहीं आता है, लेकिन ऑप्शंस यही सारे आपके विंडो 10 में भी अवेलेबल हैं। तो अगर हम विंडो 10 के अंदर अगर चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्टार्ट पैनल में सेटिंग्स में हमारे पास ऑप्शन होता है ईज़ ऑफ एक्सेस। अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो यही सारे ऑप्शन जो है वहाँ पर भी हमारे पास ओपन हो जाएंगे। तो आइए एक बार चेक करते हैं। सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ हमारे पास ऑप्शन है ईज़ ऑफ एक्सेस। ईज़ ऑफ एक्सेस पर क्लिक करेंगे, यहाँ हमारे पास तीन बेसिकली मेन कैटेगरी है, विजन्स इम्पेयरमेंट्स के लिए, हेयरिंग इम्पेयरमेंट के लिए, और आपके कुछ जिनको इंट्रैक्शन का इशू है तो वो आपका और जो है कीबोर्ड माउस को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें हमारे जैसे स्टिकी की का ऑप्शन है तो वो आपको कीबोर्ड में मिलेगा। यहाँ पर ये यूज़ स्टिकी की का ऑप्शन आ रहा है, तो स्टिकी की होती क्या है पहले हमें पता होना चाहिए, उसके बाद हम इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और उसको ठीक से यूज़ कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं स्टिकी की क्या होती है। कीबोर्ड टैब ऑप्शन के अंदर इसमें बता रहा है कि स्टिकी कीज़ होती हैं हमारे अंदर, हमारे सॉरी कंप्यूटर में। तो इसमें स्टिकी कीज़ का क्या रोल होता है वो एक बार देखते हैं। स्टिकी की इज़ एन एक्सेसिबिलिटी फीचर टू हेल्प कंप्यूटर यूज़र्स विद फिज़िकल डिसेबिलिटी। तो जिनको फिज़िकल डिसेबिलिटी होती है किसी तरह की, बट इट इज़ ऑल्सो यूज़ फॉर बाय अदर यूज़र एज अ मीन टू रिड्यूस रिपीटिटिव स्ट्रेन। तो रिपीटिटिव स्ट्रेन को कम करने के लिए भी इसका हम यूज़ करते हैं। क्या होता है बेसिकली, मैं सिंपल सी समझा देता हूँ आपको। जब कीबोर्ड के अंदर हम कोई की कंटिन्यूसली प्रेस करना चाहते हैं, जैसे दो कीज़ एक साथ प्रेस की जाती हैं, जैसे कंट्रोल ए हो गई, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, या हम ऑल्ट के साथ कोई कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं या शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं, तो हमें दो कीज़ एक साथ प्रेस करनी होती है। बट कुछ लोगों को ये दिक्कत होती है कि वो दो कीज़ एक साथ प्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये बेसिकली स्टिकी की ऑप्शंस होता है। स्टिकी की अलाउज द यूज़र टू प्रेस एंड रिलीज अ मॉडिफायर की। मॉडिफायर की कौन सी हो गई इसमें, मॉडिफायर की हो गई आपकी जैसे शिफ्ट की, कंट्रोल की और ऑल्ट की और विंडो की। कई बार हमें इन दोनों को प्रेस करके इनको प्रेस करके फिर दूसरी की प्रेस करनी होती है और उसको प्रेस करके रखना होता है, तो हमें एक साथ टू फिंगर्स का यूज़ करना है। बट कई लोग इस तरह से नहीं यूज़ कर पाते हैं ठीक से, तो हैव इट रिमेन एक्टिव अनटिल एनी अदर की इज़ प्रेस्ड। तो वो क्या करता है स्टिकी की, वो एक बार प्रेस करके आप छोड़ देंगे तो उसको एक्टिव रखिएगा। टू इनेबल स्टिकी कीज सेलेक्ट यूज़ स्टिकी कीज एंड अप्लाई और ओके। उसमें वहाँ से तो सिंपल है, आप उस पर अप्लाई करके ओके करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा और उसका जो आइकन है वो आपको यहाँ पर नज़र आने लगेगा कि हाँ आपके पास स्टिकी की जो है वो एक्टिव हो गई है। तो यहाँ पर कैसे विंडोज 10 में वो काम करेगा इसको एक बार अप्लाई करके हम देखते हैं। यहाँ हमारे पास इस पैनल में हमने कहा कि हम जस्ट सिंपली इस स्टिकी की के ऑप्शन को यहाँ से ऑन कर देंगे और ये आपका एक्टिव हो गया है। इन ऑप्शंस को हम बाद में देखेंगे, हम यहाँ से एक्टिव कर दिया हमने इसको। अब हमारे पास इसको चेक करने के लिए हम नोटपैड ओपन करेंगे। ये हमने एक सैम्पल टेक्स्ट टाइप किया है। अब अगर मुझे इसे सेलेक्ट करना है तो मुझे पता है कि मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, लेकिन इसमें हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल और ए दोनों एक साथ प्रेस करने पड़ते हैं। बट यहाँ पे मैंने कंट्रोल प्रेस किया, अब अगर मैं ए प्रेस करूँगा तो देखिए कंट्रोल और ए दोनों एक साथ प्रेस हो गए, मतलब एक छोड़ दिया मैंने, दोबारा क्लिक किया तो ये काम कर रहा है। नॉर्मली अगर स्टिकी की हम ऑन नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, बट हमारे केस में अब ऐसा काम जो है ये करेगा। अगर मुझे सिंगल लेटर कैपिटल में लिखना है, शिफ्ट प्रेस किया मैंने और एस टाइप किया तो देखिए कैपिटल में आ गया, यानी दो कीज़ अलग अलग प्रेस कर रहे हैं हम, तो ये जो आपकी जो बाकी जो कीज़ हैं, ये वाली कीज़ आपकी जो है ये प्रेस रहती हैं वन टाइम के लिए, तो इसको बोलते हैं बेसिकली स्टिकी कीज़। इसको आप एक बार ट्राई करिएगा। आफ्टर हैविंग इनेबल्ड स्टिकी कीज़ यू विल नाउ प्रैक्टिस एंड सी इट्स इफेक्ट। आपका इसका इफेक्ट देखेंगे, कैसे देखेंगे, नोटपैड ओपन करना है आपने। नोटपैड ओपन करने के बाद कहता है तीन या चार आप लाइन टाइप कर लीजिए,
उसके बाद आप कंट्रोल की प्रेस करके छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद ए लेटर प्रेस कीजिए, तो दोनों को अलग अलग प्रेस करेंगे बट वो ऐसा काम करेगा जैसे आप कंट्रोल ए एक साथ प्रेस कर रहे हैं। तो ये आपका स्टिकी के का काम है जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। इसके बाद बात करते हैं फिल्टर कीज़ की। फिल्टर कीज़ क्या होती हैं? कहते हैं फिल्टर कीज़ इज़ अ फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। इट इज़ एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन दैट टेल्स द कीबोर्ड टू इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेड की स्ट्रोक्स। ये यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड की स्ट्रोक्स, मेकिंग टाइपिंग ईजियर फॉर पीपल विद हैंड ट्रेमर्स। जिन लोगों को हैंड ट्रेमर्स का इश्यू होता है, मैंने बताया जिनके जो है कुछ हाथ चीज़ पकड़ते हुए या टाइपिंग करते हुए हाथ कांपते हैं, उनके लिए है बेसिकली। कई बार गलती से ऐसा होता है कि हम टाइपिंग करते हुए जो है ज़्यादा देर के लिए हम कोई की प्रेस कर देते हैं तो वो बार बार रिपीटेडली आपकी टाइपिंग होकर नज़र आने लगती है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम फिल्टर की का यूज़ करते हैं। कैसे इनेबल करेंगे ये स्टेप्स देख लीजिए एग्जाम्पल, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि विंडो एक्सपी में कैसे इसको इनेबल या डिसेबल करते थे। टू इनेबल फिल्टर की चेक, यूज़ फिल्टर कीज़ एंड क्लिक सेटिंग्स में जाएंगे अंडर फिल्टर की के अंदर और इग्नोर रिपीट की स्ट्रोक्स यहाँ लिखा हुआ आएगा वहाँ पर उसको चेक कर देंगे और अप्लाई करके ओके कर देंगे और ये आपके पास जो है उसका आइकन जो है यहाँ पर आ रहा है, ये आपका फिल्टर की जो है वो इनेबल हो गया है सिस्टम ट्रे के अंदर। तो इसको एक बार देखते हैं, पहले हम सिंपली देखते हैं कि नॉर्मल टाइपिंग कैसे होती है। नोटपैड ओपन करेंगे एक बार, यहाँ पर अगर मैं कुछ भी टाइपिंग करते हुए अगर कोई की गलती से मेरे से प्रेस हो जाती है, सपोज़ कीजिए टी प्रेस हो गया लॉन्ग टाइम, तो देखेंगे आपके टी जो है वो कंटिन्यूसली आप मेरा जो है डिस्प्ले होता जा रहा है। तो ये आपका जो है रिपीटेड की स्ट्रोक्स ना हो, मैं अगर ए प्रेस करके जो है हल्का सा मेरे से प्रेस हो गया तो कंटिन्यूसली ए आता जा रहा है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम फिल्टर की का यूज़ करते हैं। तो विंडो 10 में कैसे करते हैं एक बार देखते हैं, हमारे सेटिंग वाले पार्ट्स में आएंगे, ईज ऑफ एक्सेस के अंदर आएंगे हम और यहाँ पर हमारे पास फिल्टर की का ऑप्शन है, ये हमारे पास फिल्टर की है इसके अंदर, यहाँ से इसको अब हम ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद अब अगर हम नोटपैड में जाएंगे और फिर वही सेम चीज़ ट्राई करेंगे तो वो आपका रिपीटेडली जो है वो प्रेस नहीं होगा। अब अगर हम यहाँ कोई टाइपिंग करते हैं और मैं किसी की को प्रेस करता हूँ कंटिन्यूसली, तो मेरे लॉन्ग प्रेस करने पर भी वो टाइप नहीं हो रहा है अंटिल एंड अनलेस मैं उसको रिपीटेडली बार बार जो है टाइप नहीं करूँगा। तो वो कंटिन्यूसली मैं अगर प्रेस करके रखता हूँ तो ये टाइप नहीं होगा, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आफ्टर हैविंग इनेबल फिल्टर कीज़ यू विल नाउ प्रैक्टिस एंड सी इफेक्ट। आप खुद उसका प्रैक्टिस करके इफेक्ट दे सकते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया। स्टार्ट नोटपैड एंड टाइप सम रिपीटेड कैरेक्टर्स, आप कुछ रिपीटेड कैरेक्टर्स टाइप कीजिए, नोटिस दैट द रिपीटेड कैरेक्टर्स आर इग्नोर्ड, आप देखेंगे कि हाँ वो इग्नोर हो रहे हैं, वो बार बार आपकी स्क्रीन पर नहीं आ रहे हैं। दोबारा से आप डिसेबल कर सकते हैं और फिर दोबारा से चेक कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम टॉगल कीज़ की। कहता है टॉगल की इज़ आल्सो अ फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, इट इज़ एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन विच इज़ डिज़ाइन फॉर पीपल हु हैव विज़न इम्पेयरमेंट। जिन लोगों को विज़न इम्पेयरमेंट होता है उनके लिए है बेसिकली ये, यानी जिनको ठीक से दिखाई नहीं देता है, पार्शल या कम्प्लीट ब्लाइंडनेस होती है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होती है किसी को। कहता है व्हेन टॉगल की इज़ टर्न्ड ऑन कंप्यूटर एमिट साउंड क्यूज व्हेन लॉकिंग कीज लाइक कैप्स लॉक की, नम लॉक की एंड स्क्रोल लॉक कीज आर प्रेस्ड। जब आप इन कीज को प्रेस करते हैं तो एक साउंड या बीप जनरेट होती है। कहता है ए हाई साउंड इज एमिटेड व्हेन द कीज आर स्विच्ड ऑन, जब आप इसको ऑन करते हैं तो हाई आती है और एक लो साउंड आती है जब आप इसको स्विच ऑफ करते हैं। तो जिन लोगों को ठीक से दिखाई नहीं देता है उन लोगों के लिए है ये ऑप्शन कि जब आप कैप्स लॉक, नम लॉक या आप स्क्रॉल लॉक ऑन ऑफ करते हैं तो आपका एक बीप जनरेट होती है। तो जिन लोगों को ठीक से दिखाई नहीं देता है उन लोगों के लिए है कि जो वो जो स्मॉल एलईडी है उसको नहीं देख पाए कि हाँ गलती से वो प्रेस हुई है या आपने प्रेस की है तो वो प्रेस हुई है या नहीं हुई है। टू इनेबल टॉगल की एंड चेक द यूज़ ऑफ टॉगल की, क्लिक सेटिंग्स, अंडर टॉगल की के अंदर जाएंगे, अप्लाई करके ओके कर देंगे। इसको विंडो 10 के अंदर देखते हैं एक बार, वहीं ईज ऑफ एक्सेस में जाएंगे हम अपने, यहाँ हमारे पास टॉगल की का ऑप्शन है, टॉगल की को हम यहाँ से ऑन कर देंगे। इसके बहुत सारे शॉर्टकट्स भी हैं जो नीचे लिखे हुए हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल सिंपली आपको ऑन करके दिखा रहा हूँ, ये ऑन कर दिया है। अब अगर मैं कैप्स लॉक ऑन या ऑफ करता हूँ तो यहाँ पर साउंड जनरेट होगी, तो दोनों ऑन और ऑफ करने पर अलग अलग तरह की साउंड जनरेट हो रही है। नम लॉक ऑन ऑफ करेंगे तो उसमें भी आपको अलग अलग ऑन और ऑफ में अलग अलग बीप सुनाई देगी। तो इस तरीके से हम इस जो है आपके की को यूज़ करते हैं।
ध्यान रखिएगा टॉगल की के बारे में, इसको दोबारा से हम ऑफ कर देते हैं, अगर हमें ज़रूरत है तो हम इसे यूज़ करेंगे, अदरवाइज ऑफ कर सकते हैं, ऐसे ही हमारी फिल्टर की भी है। हैविंग इनेबल टॉगल की यू कैन सी इट्स इफेक्ट बाय वन ऑफ द फॉलोइंग कीज़, नम लॉक की, कैप्स लॉक की, स्क्रॉल लॉक की, प्रेस करके आप चेक कर सकते हैं किस तरह की बीप की आवाज़ आ रही है, जैसे अभी हमने चेक की, और इसको आप दोबारा से जो है डिसेबल करने के लिए अनचेक करके ओके कर देंगे तो आपका ये डिसेबल हो जाएगा। साउंड टैब के अंदर आपके पास साउंड से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, साउंड सैनिटरी और शो साउंड। यहाँ पर आपके पास मैसेज भी आपका ऑप्शन आ रहा है, यूज़ साउंड सैनिटरी इफ़ यू वांट टू विंडोज़ टू जनरेट विजुअल वार्निंग्स व्हेन योर सिस्टम मेक्स अ साउंड। जब सिस्टम कोई साउंड जनरेट करता है और जो लोग ठीक से सुन नहीं पाते हैं उनके लिए आपके पास किसी तरह की विजुअल मैसेज जो है वो शो करता है आपका साउंड सैनिटरी ऑप्शन। द सेलेक्ट अ साउंड टैब अ विंडो विद ऑप्शन टू कॉन्फिगर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन फॉर साउंड इज डिस्प्लेड, जैसे आपका यहाँ पर आ रहा है। साउंड सैनिटरी इज डिजाइन टू हेल्प यूजर्स विद ऑडिटरी इम्पेयरमेंट। ये आपने छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है कि किस इम्पेयरमेंट में कौन सा ऑप्शन यूज होता है। तो साउंड सैनिटरी जो है वो आपका ऑडिटरी इम्पेयरमेंट में होता है, जिन लोगों को ठीक से सुनाई नहीं देता है। साउंड सैनिटरी जनरेट अ विजुअल वार्निंग, विजुअल वार्निंग्स आती हैं इसमें, कैसी वार्निंग्स आती है अभी हम एग्जांपल में देखेंगे, सच एज अ ब्लिंकिंग टाइटल बार, आपकी टाइटल बार जो है वो ब्लिंक करने लगती है, और फ्लैशिंग बॉर्डर्स, बॉर्डर जो है वो आपके फ्लैश करने लगते हैं, वेन एवर कंप्यूटर जनरेट साउंड, जहाँ पर कंप्यूटर साउंड जनरेट करता है उस जगह पे। टू इनेबल साउंड सैनिटरी चेक यूज साउंड सैनिटरी अंडर साउंड टैब के अंदर साउंड सैनिटरी को आप ओके करेंगे, इनेबल करेंगे, चेक करेंगे, डूइंग सो एक्टिविटीज टू ड्रॉप डाउन लिस्ट वेर एवर यू कैन चूज द टाइप यूजुअल वार्निंग डिजायर्ड, जहाँ पर आपकी विजुअल वार्निंग्स आती हैं वहाँ पर आपकी जो है साउंड वार्निंग्स की जगह आपकी विजुअल वार्निंग्स आएंगी, क्लिक अप्लाई करके ओके कर देंगे आप। इसको चेक करने के लिए कैसे, आप उसका एग्जाम्पल बताया हुआ है कि आप इसको इनेबल करने के बाद आप स्टार्ट में जाएंगे, रन में जाएंगे, वहाँ पर आप नोट पैड की जगह जो है नोट टाइप कर देंगे, सिंपली पूरा नोट पैड नहीं करेंगे ताकि आप सिस्टम उसको एक तरह से एरर लेके चले कि हाँ इस नाम से कोई प्रोग्राम नहीं है, तो जो आपके पास वार्निंग या एरर आएगी वो साउंड के साथ साथ आपके पास फ्लैश करके भी आएगी। एक बार इसको पहले इनेबल करते हैं विंडो 10 के अंदर, फिर इसको एक बार चेक करेंगे। यहाँ ऑडियो में, ऑडियो जो हमारा ऑप्शन है इसमें, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि हम चूज़ कर सकते हैं शो ऑडियो ऑडियो अलर्ट विजुअली, तो हम यहाँ पर जो ऑप्शन चूज़ कर लेंगे, कोई भी हमें किस तरह का जो है आउटपुट चाहिए या हमें किस तरह के जो है आपका जो है कोई फ्लैश करनी है, स्क्रीन को करना है या टाइटल बार को करना है, कोई भी जब अलर्ट मैसेज आता है तो जहाँ पर आपकी साउंड आती है वहाँ साउंड अगर कोई नहीं सुन सकता है तो उसको एक विजुअल जो है वो कैसे नज़र आएगा वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम रन ओपन करेंगे विंडोज़ के साथ आर, और यहाँ पर हम जैसे ही नोट लिखेंगे नोट पैड की जगह शॉर्ट फॉर्म में और एंटर प्रेस करेंगे तो साउंड तो आ ही रही है, बट साउंड के साथ साथ हमारी जो स्क्रीन थी वो पूरी फ्लैश हो गई, तो जिन लोगों को ठीक से सुनाई नहीं देता वो फ्लैश से समझ जाएंगे कि हाँ एक एरर मैसेज आया है, तो वो नॉर्मल मैसेज में और एरर मैसेज में इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है शो साउंड का, ये भी हमारा जो है तो साउंड जहाँ पर आती है वहाँ पर कैसे हम विजुअल्स शो कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले लोग हैं, तो उसी के लिए आपके पास ये ऑप्शन भी है। इसमें बेसिकली हमारे पास कैप्शंस जो है इंफॉर्मेशन के तौर पर वो शो करता है, तो कैसे कैप्शंस कैसे नज़र आएंगे वो हमें यहाँ पर ये इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या हम चेंज कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं क्या कहता है, शो साउंड इंस्ट्रक्ट एप्लीकेशन दैट कन्वे इन्फॉर्मेशन बाय साउंड, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन साउंड के थ्रू आ रही है उसको हम इन्फॉर्मेशन को विजुअली जो है प्रोवाइड कर सकें उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो सिंपली वहाँ पर ये ऑप्शन लिखा हुआ है आपके पास, इनेबल करने के लिए चेक लगाएंगे आप, ओके कर देंगे, अप्लाई हो जाएगा विंडोज़ XP के अंदर। इसी को देखते हैं विंडो 10 के अंदर हम कैसे कर सकते हैं और कैसे इसको कस्टमाइज़ किया जा सकता है। इसके लिए हम यहाँ पर क्लोज्ड कैप्शन में जाएंगे, यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम जो भी सेटिंग चूज़ करना चाहेंगे, इसे मुझे रेड कलर में चाहिए, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मुझे कैसी चाहिए, उसका साइज़ मुझे कम ज़्यादा करना है, वो यहाँ हम सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके करेंगे। ये हमें कहाँ नज़र आएगी, जब हम कोई ऐसी वीडियो प्ले करेंगे जिसके अंदर कैप्शन अवेलेबल हैं। तो एक सैम्पल वीडियो ओपन कर लेते हैं, यहाँ से कैप्शन ऑन कर लेते हैं,
अब देखिए जो हमने वहाँ पर स्टाइल चूज़ किया था तो वही कैप्शन जो है वो आपको इस तरीके से नज़र आएगा। तो ये कैप्शन आपके किस तरीके से आपके जो वीडियो प्लेयर हैं वो शो करेंगे उसकी सेटिंग्स आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसे डिसेबल करना है तो हम यहाँ से दोबारा से डिफ़ॉल्ट लगा देंगे जो भी हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग चाहते हैं एंड इसको 100% कर देंगे वापस। तो ये हमारा कैप्शन वाला ऑप्शन था जो वहाँ पर शो साउंड के नाम से था बेसिकली। इसके बाद हमारे पास डिस्प्ले टैब है जिसमें हम डिस्प्ले से रिलेटेड जो ऑप्शन है वो चेंज कर सकते हैं, जैसे हाई कॉन्ट्रास्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कर्सर का ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। ऑप्शंस विंडो एक्सपी में कुछ इस तरीके से आते थे, वही ऑप्शंस आपके विंडो 10 में भी अवेलेबल हैं। उनकी लोकेशन चेंज हो गई है, थोड़ा सा उनका अपीयरेंस या सेटिंग का चेंज करने का तरीका चेंज हो गया है, बट ये सारे ऑप्शंस आपको सेम आपकी विंडो 10 में भी मिलेंगे। सबसे पहले बात करें हाई कॉन्ट्रास्ट की। हाई कॉन्ट्रास्ट ऑप्शंस जो हैं ये आपके जिन लोगों को थोड़ा सा व्यू करने में प्रॉब्लम होती है, विजन इम्पेयरमेंट होती है, तो कलर को ठीक से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए है ताकि आपकी कॉन्ट्रास्ट हाई हो जाए और वो ठीक से जो है कलर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकें। हाई कॉन्ट्रास्ट इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट फीचर्स टू असिस्ट पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट। यू कैन चेंज द साइज एंड कलर ऑफ फॉन्ट्स एंड बैकग्राउंड फॉर ईज ऑफ व्यूइंग। तो कितना साइज रखना है, कौन से कलर चूज करना है, ये सब हम खुद जो है सेट कर सकते हैं। इसमें डिस्प्ले टैब के अंदर इसको अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, अप्लाई हो जाएगा हाई कंट्रास्ट को। और विंडो 10 के अंदर एक बार हम देख लेते हैं ये कैसे अप्लाई होता है। यहाँ हाई कंट्रास्ट ऑप्शन है हमारे पास, हम जैसे ही इसको ऑन करेंगे ये ऑन होने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले, कुछ इस तरीके से आपका हो सकता है ये नज़र आए आपको। यहाँ से आप अलग अलग सेटिंग चूज़ कर सकते हैं, कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स यहाँ पहले से प्रेजेंट हैं, तो कलर डिफरेंशिएट करना यहाँ काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। नॉर्मल लोगों के लिए ये थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट टाइप काइंड ऑफ है, बहुत सिंपल सा है एंड यहाँ पर, बट जिन लोगों को विजुअल इम्पेयरमेंट है उनके लिए ये काफ़ी आसान हो जाएगा। यहाँ पर हम बहुत सारी और सेटिंग्स हैं जो चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, हाइपरलिंक्स का कलर क्या होना चाहिए, डिसेबल टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, सिलेक्टेड आपका कोई टेक्स्ट है, जैसे यहाँ पर हम कुछ भी सिलेक्ट करेंगे, अभी देखिए तो ये पर्पल कलर में हाईलाइट होके आ रहा है जो पहले नहीं आ रहा था इस तरीके से। तो अब जो जिनको कलर डिफ्रेंशिएशन की दिक्कत है उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है ये। तो यहाँ पर आप खुद भी अपनी सेटिंग जो है वो चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसको वापस से ठीक करना है तो हम इसको जस्ट ऑफ कर देंगे, हमारे लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। कर्सर ऑप्शन इज ऑल्सो एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल फॉर विजन इम्पेयरमेंट बाय चेंजिंग द ब्लिंक रेट एंड विड्थ ऑफ द कर्सर। जो कर्सर का ब्लिंक रेट है और आपका जो कर्सर का साइज है वो हम चेंज कर सकते हैं। टू चेंज स्पीड ऑफ कर्सर्स ब्लिंक मूव द ब्लिंक रेट स्लाइडर, उस वहाँ पर स्लाइडर था जिसको हम कम ज़्यादा कर सकते थे, इसको हम विंडो 10 में भी कर सकते हैं। इसको एक बार देख लेते हैं कि कैसे हम कर्सर से रिलेटेड ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। यहाँ माउस पॉइंटर और टेक्स्ट कर्सर, ये दो ऑप्शन हैं हमारे पास। माउस पॉइंटर में जाएंगे तो यहाँ पर मैं माउस का जो कर्सर का साइज़ है वो कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। देख सकते हैं मेरे माउस का जो पॉइंटर का साइज़ है वो बड़ा हो गया है और छोटा करना है हम इसको छोटा कर सकते हैं। और कैसा नज़र आना चाहिए वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ब्लैक कलर में आना चाहिए या आपके सिलेक्शन पे चेंज हो जाए, या कलरफुल अगर हम चाहते हैं तो हम कलरफुल भी रख सकते हैं। तो जैसा आपको ठीक लगता है आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल रखना चाहते हैं आप इसको नॉर्मल रख सकते हैं, साइज़ कम करना चाहते हैं कम कर सकते हैं। इसी तरीके से टेक्स्ट कर्सर में जाएंगे तो हम इसमें कर्सर इंडिकेटर को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक कर्सर इंडिकेटर इस तरीके का आपका अलग से नज़र आएगा, तो वो अगर आप चेंज करना चाहते हैं या उसका साइज चेंज करना चाहते हैं तो जहाँ जहाँ आपका कर्सर होगा टेक्स्ट के ऊपर उसका कलर आप यहाँ से चेंज जो भी करेंगे वो सेलेक्ट होकर आपको नज़र आने लगेगा। इसके अलावा यहाँ नीचे ऑप्शन है आपके पास, जो कर्सर ब्लिंक करता है उसकी विड्थ आपको बड़ी करनी है तो वो बड़ी आ जाएगी। अगर यूजली कई बार लोगों को नहीं नज़र आता है ठीक से, आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से ये कर्सर के ऑप्शन आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास माउस टैब है जिसमें हम माउस को कंट्रोल कर सकते हैं, ये कह सकते हैं माउस के कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट यूजिंग माउस। कई बार ऐसा होता है हमारा माउस ख़राब हो जाता है या माउस अवेलेबल नहीं होता, तो और हमें कुछ ऑप्शन इस तरह के यूज़ करने हैं कि जिसे हमें माउस से ही यूज़ करना है, तो हम हमारे जो न्यूमेरिक कीपैड है उसको माउस की तरह यूज़ कर सकते हैं। माउस की इज़ एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल हु हैव डिफिकल्टी यूजिंग माउस। जिन लोगों को डिफिकल्टी होती है उनके लिए भी ऑप्शन है। दिस ऑप्शन यूज द कीबोर्ड
स्पेशली न्यूमेरिक कीपैड एज अ पॉइंटिंग डिवाइस इंस्टेड ऑफ माउस। माउस की जगह वो आपके कीपैड को यूज़ कर सकते हैं, न्यूमेरिक कीपैड को, जो आपका साइड में अलग से होता है कुछ कीबोर्ड्स में। सेलेक्ट द माउस टैब, माउस टैब को सेलेक्ट करेंगे एंड विंडो टू कॉन्फिगर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन माउस डिस्प्लेड, और उसमें डिस्प्ले आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप इसको करेंगे सेटिंग में जाएंगे और वहाँ से आप चूज़ कर सकते हो, और आपके पास नीचे ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर कि हाँ आपने जो है आपने माउस की सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से सिंपली आपको ओके करना है अप्लाई करके, एंड ये आपका जो है आप फिर उसके बाद अपने जो है माउस से यूज़ कर पाएंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर किसी के पास कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीपैड अलग से है, तो आप देखेंगे कि आपकी जो 4, 8, 6 और 2 ये कीज़ हैं, इन पे अप डाउन लेफ्ट राइट एरोज जो है प्रिंट होते हैं। तो ये नॉर्मली आप अप एंड डाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हो इनको, और अगर आपने माउस की इनेबल कर लिया है तो आपका जो माउस पॉइंटर है आप इससे भी मूव करवा सकते हैं। यहाँ से माउस ऑप्शन में हमारे पास माउस की का ऑप्शन है, यहाँ से इसको इनेबल कर लेंगे। तो इसके बाद अगर मैं अपना अपना माउस छोड़ देता हूँ और मैं अगर यहाँ से अपना न्यूमेरिक कीपैड में 8 की प्रेस कर रहा हूँ, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है आपका माउस पॉइंटर। 4 प्रेस कर रहे हैं तो ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है। 7 प्रेस कर रहे हैं तो ये डायगनली मूव कर रहा है। 9 प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये राइट में डायगनली अप जा रहा है। 6 प्रेस करेंगे राइट में जाएगा, और 3 प्रेस करेंगे तो डायगनली डाउन जाएगा ये राइट साइड में। तो इस तरीके से हम अपने माउस पॉइंटर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको कम ज़्यादा करना है, यहाँ से हम इस जो इसकी स्पीड है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ मैं। अब जैसे जैसे मैं 8 प्रेस करूँगा तो देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, 2 प्रेस करेंगे ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो हम यहाँ से माउस की जगह हम अपने जो न्यूमेरिक कीपैड है उससे भी कीबोर्ड को कंट्रोल, सॉरी माउस को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें यूज़ नहीं करना है तो हम इसको ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर इसी तरीके से बताया हुआ कैसे हम 4, 6, 2, 8 कीज़ का यूज़ करके इसको माउस को हम माउस का जो कर्सर है उसको मूव करवा सकते हैं हमारे न्यूमेरिक कीपैड का यूज़ करके। इसके बाद हमारे पास जनरल ऑप्शन है, जनरल टैब के अंदर जो पूरे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को इनेबल डिसेबल या उनको कैसे फीचर्स काम करेंगे उसके लिए बताता है। 3 जो ऑप्शन हैं यहाँ स्टार्टिंग में आपके पास, वो आपके बताते हैं कि टर्न ऑफ एक्सेसिबिलिटी फीचर आइडियल आफ्टर 4, अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं 5 मिनट या 10 मिनट तक तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए आपका। तो वहाँ आप यहाँ पर टाइमिंग सेट कर सकते हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन के ऑप्शन है जिस पे बता रहे हैं गिव वार्निंग मैसेज व्हेन टर्निंग अ फीचर ऑन, जब आपका कोई फीचर ऑन या ऑफ होता है तो आपके पास मैसेज आएगा। एंड मेक अ साउंड व्हेन टर्निंग अ फीचर ऑन ऑफ, जब भी आप कोई फीचर ऑन ऑफ करते हैं तो आपको एक बीप की साउंड आएगी जिससे आपको पता चलेगा हाँ आपने कोई एक्सेसिबिलिटी फीचर ऑन या ऑफ किया है। यूजली अगर आप इसको चेक करना चाहें तो शिफ्ट की को अगर आप 5 टाइम प्रेस करेंगे तो आपके पास स्टिकी की ऑन और ऑफ हो जाता है, तो उसमें आपको एक बीप का साउंड देगा। बाई मिस्टेक भी अगर हम कभी इस तरह ऐसे कर देते हैं तो हमें एक बीप का साउंड आता है जो हमें मैसेज देता है कि आप स्टिकी ऑन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो वो एक तरह से वार्निंग आती है। तो ये हम ऑप्शन यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ सीरियल की का ऑप्शन है, एक बार सीरियल के देख लेते हैं क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता रहता है। सीरियल की इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल दैट हैव डिफिकल्टी यूजिंग कीबोर्ड और माउस, जो लोग कीबोर्ड और माउस को ठीक से नहीं यूज़ कर सकते, कुछ इस तरह की डिसेबिलिटी है, तो वो आपका जो है सीरियल की का यूज़ करते हैं। दे कैन यूज़ अ स्पेशल डिवाइसेस, स्पेशल डिवाइस यूज़ करते हैं जैसे सिप और पफ और ब्रिथ स्विचेस होते हैं टू प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर थ्रू सीरियल पोर्ट। तो वो सीरियल पोर्ट्स के थ्रू कंप्यूटर को डायरेक्ट इनपुट देने के लिए सिप और पफ स्विच होते हैं उनका यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो आपका ये एक सिपिंग और जो है पफिंग का डिवाइस है जिससे हम अपने माउथ से जो है ब्रीथ करके जो है आपकी जो हवा है बाहर की तरफ या अंदर की तरफ निकाल के या छोड़कर उसको मैनेज करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं आपके कंप्यूटर के किसी फंक्शनैलिटी को। कहता है फॉर एग्जाम्पल सिपिंग ऑन द ट्यूब एक्टिवेट 1 डिवाइस, अगर आप उसमें सिप करेंगे तो उसमें एक एक डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगा, पफिंग करेंगे तो आपका वो एक्टिव डीएक्टिवेट भी हो सकता है या कोई दूसरा डिवाइस भी आपका एक्टिवेट हो सकता है या कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद अलावा जो है आपकी अप्लाई ऑल सेटिंग्स टू लॉग ऑन डेस्कटॉप कैन बी यूज्ड अप्लाई कॉन्फिगर, ये आपके बताया हुआ है जो आपके पिछले आपने इससे पहले जो यहाँ ये ऑप्शन थे आपके कि आप सेटिंग्स जो है किस तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई ऑल सेटिंग्स टू लॉग ऑन डेस्कटॉप, जो डेस्कटॉप पे आप लॉगिन के हैं उस पर अप्लाई करना चाहते हैं या डिफ़ॉल्ट न्यू यूज़र जो बनाएंगे आप उसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, कहाँ अप्लाई आप करना चाहते हैं सेटिंग्स, वो आप यहाँ से अप्लाई और डिसेबल कर सकते हैं इसको। तो हम अगर हम बात करें दोबारा से सीरियल की तो आपके सीरियल की का जो डिवाइस है जैसे मैंने बताया पफ एंड स्विच कुछ इस तरह का नज़र आ सकता है आपका, ये आपका जो है इसमें ये पफ और स्विच का आपका ये एक छोटा सा डिवाइस है, इसमें वायर हो सकती है, अडेप्टर हो सकता है,
और जब यूज़ इसको पर्सन करते हैं कुछ इस तरीके का आपका नज़र आ सकता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये पर्सन जो है डिसेबल पर्सन है, उन्होंने अपने माउथ में इस तरीके से सिपिंग डिवाइस लगाया हुआ है। दिखने में थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है, अलग अलग कंपनीज इसको अलग अलग तरीके से बनाती हैं। ये व्हील चेयर पर माउंटेड है, ये डेस्क पर माउंट किया हुआ है, ठीक है। तो और इसमें जो है हवा भेज कर या खींच कर जो है इसको जो है कंट्रोल किया जाता है कंप्यूटर के अलग अलग फंक्शंस को। तो ये आपके जो है सीरियल की डिवाइसेस होते हैं। ऐसी बहुत सारे डिवाइसेस हैं आपके, कई जो है आई मूवमेंट से कंट्रोल होते हैं। तो जो लोग जो ठीक से जो कीबोर्ड या माउस को नहीं यूज़ कर पाते हैं, अगर उनको हम कंट्रोल देना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे पास ये सीरियल की के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और इनको बहुत कस्टमाइजली बनाया जाता है।